हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो है विनोद का स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। चलो फिर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, ये है विनोद का फ्राइंग पैन। प्लेटिनम SAS मेटल से बनाया गया है। SAS यानी स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील, ऐसे ये तीन कॉम्बिनेशन में ये बनाया गया है। इसका इनर और आउटर लेयर जो है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और बीच में है जो एल्युमिनियम है। ये हम लोग इंडक्शन पे, गैस पे यूज़ कर सकते हैं और ये डिश वॉशर सेफ है। इसे 24 सेंटीमीटर का आता है और इसे 60 मंथ की वारंटी है। अगर हम साइड पे देखेंगे, साइड बॉक्स पे, तो इस पे लेयर्स दिए गए हैं। जैसे कि लेयर वन जो है वो फूड ग्रेड 18x18 स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है इनर सरफेस के लिए। जैसे हेल्दी कुकिंग बनाना रहता है तो उसके लिए वो यूज़ किया गया है। लेयर टू जो है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम इसलिए यूज़ किया है, उसके वजह से हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है और कुकिंग फास्ट हो जाता है। और लेयर थ्री जो है वो SS430 मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है थर्ड लेयर में। अगर आप बॉक्स पे देखेंगे तो उसकी प्राइस है 2750 रुपीज़, पर जब मैंने परचेस किया तो वो मुझे 2110 में मिला, तब डिस्काउंट चालू था। अभी फ्रेंड्स, हम लोग ये बॉक्स में से निकालते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये। फ्रेंड्स, अभी मेरे घर पे बहुत सारे नॉनस्टिक की चीज़ें थे, अभी मैंने वो डिसाइड किया कि अभी पूरा निकाल दूँ, इसीलिए मैंने एक एक करके चालू किया कि स्टेनलेस स्टील का ही यूज़ करूँ। इसीलिए मैंने अभी ये फ्राइंग पैन लिया है। अभी इस फ्राइंग पैन के साथ मुझे वारंटी कार्ड मिला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वारंटी कार्ड है। उसके अंदर विनोद के जो जो अवेलेबल ऑप्शंस है, इसमें से मैं दो तीन चीज़ें खुद यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे यूज़ करें सब, और ये पीछे वारंटी कार्ड है। और ये जो दवा देखेंगे, विनोद का फ्राइंग पैन देखेंगे, तो उसके बीच में भी एक स्टिकर है और ये हेवी भी है। जैसे हाथ में लेते ही आपको पता चलेगा ये थोड़ा हेवी है। ये स्टिकर के ऊपर भी दिया गया है कि ये मटेरियल कैसा है और ये सब मेंशन किया है। यूज़ करने से पहले मैं अभी ये स्टिकर निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये तवा को जो हैंडल, फ्राइंग पैन को जो हैंडल दिया गया है, बहुत ही मस्त हैंडल है। बाकी अगर देखते तो प्लास्टिक का रहता है, पर ये स्टील का दिया गया है और ये गर्म नहीं होता है। हमें इजीली हम लोग ये हाथ में पकड़ के काम कर सकते हैं, फ्राइंग हो कुछ भी हो। अगर इसका बेस देखेंगे तो ये इंडक्शन पे भी चलता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक रेसिपी बनाएंगे जो अवन में बनता है, पर आज हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे। पोटैटो वेजेस, मैंने ये आलू लिया है, उसके ऊपर का जो स्किन है वो पूरा निकाल लेंगे। मैंने तीन आलू लिए और बाद में ये स्लाइस करके लेंगे। अभी ये स्लाइस किए हुए आलू है वो हमें वॉश करके लेने हैं। अभी इसमें मैं 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट नमक डालना है। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि मैजिक मसाला में भी नमक है। वो मैगी मैजिक मसाला मैंने ये 2 पैकेट्स लिए हैं, वो 2 पैकेट्स ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप मैगी नूडल्स के साथ जो मसाला आता है वो ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ये अभी अच्छे से ये मिक्स करके लेना है। जैसे कि ये पूरा कोट होना चाहिए आलू के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पूरा मिक्स हो चुका है। अभी मैं फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। अभी ये ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें वो पोटैटो वेजेस ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, तो ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। और ये बिल्कुल ढकना नहीं है और कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी उसका कलर भी चेंज होने लगा है। और गैस का फ्लेम हाई ही रखिए, मीडियम मत रखिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है। ये 10 से 15 मिनट में स्नैक्स रेडी हो जाता है। अभी हमारा ये रेडी है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकालना है। तो ये पैन के नीचे मैं एक बाउल रख रही हूँ, गैस ऑफ करने के बाद इसके नीचे एक बाउल रखूँगी तो एक्स्ट्रा का ऑयल वो निकल जाएगा और हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल के हम लोगों ने फ्राई किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे ये पोटैटो वेजेस रेडी है। ये पोटैटो वेजेस हम लोग मायोनीज केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।